हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं 5.1 का क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास बेटा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शन। आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है कोसाइन की, कोसेकेंट की, सेकेंट की, कोटेंजेंट की। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। आपको कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंट, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। ठीक है, तो हमारे पास कोसेकेंट क्या है, कॉस है, कोसाइन क्या है, कॉस है, कोसेकेंट क्या है, कोसेक, और सेकेंट क्या है, सेक, जो आप शॉर्ट फॉर्म लेते हैं। कोटेंजेंट क्या है, कॉट। अब कॉस जो है हमारे पास कॉस की फॉर्म में होता है, कोसेक जो है हमारे पास किसकी फॉर्म में होता है, 1/sin(x) की फॉर्म में, सेक किसकी फॉर्म में होता है, 1/cos(x) की फॉर्म में, कॉट किसकी फॉर्म में होता है, cos(x)/sin(x)। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है। ओके बेटा, ये हमारे पास क्या आ गया, आपके फंक्शन आ गए। ओके, तो हमें चेक करने हैं क्या ये सारे के सारे फंक्शन कंटिन्यूस हैं। आपने क्या पढ़ा था लिमिट में, आपने ये पढ़ा था ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है आपके पास कंटिन्यूस होते हैं। बट ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप देख रहे हैं रेशन नंबर में आ गया आपके पास, कौन सी फॉर्म में आ गए, रेशन नंबर फॉर्म में। ये तो आपको पता है कंटिन्यूस है, बट ये रेशन फॉर्म में आ गया, ये भी रेशन फॉर्म, ये भी रेशन फॉर्म। अब इसकी रेशन फॉर्म में हमारे पास आ गया साइन एक्स, ये आ गया कॉस एक्स, ये आ गया साइन एक्स अगेन। तो बेटा जब भी हमारे पास रेशन फॉर्म में फंक्शन होते हैं तो वहां पे हमारे पास क्या होता है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ओके बेटा, हमारे पास क्या होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर है वो इनका जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफाइंड। ठीक है, तो हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड हो गया, हम उसको आगे सॉल्व भी कर सकते। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना, हमें साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स की वो वैल्यू को छोड़ के वो वैल्यू हमें इनकी डोमेन में नहीं लेनी है, जिससे ये हमारा क्या हो जाए, फंक्शन जीरो बन जाए। ओके, साइन एक्स जहाँ पे जीरो होगा वो हम इसको छोड़ देंगे नंबर को, और कॉस एक्स जहाँ पे जीरो होता है वो हम इसका डिनोमिनेटर में उसकी वैल्यू नहीं लेंगे, वो हम उसकी वैल्यू को छोड़ के बाकी सभी वैल्यू पे ये फंक्शन क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप कॉस एक्स साइन एक्स आपको पता है वो कंटिन्यूस है, बट हम फिर भी उनको सॉल्व करके इस क्वेश्चन में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास फंक्शन हम लेते हैं साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स क्या है, साइन एक्स, साइन एक्स बेटा वो कंटिन्यूस होता है एट एवरी रियल नंबर। तो आप ले रहे हैं यहाँ पे, हम ले रहे हैं एट एक्स इज इक्वल टू सी, सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, सी किससे बिलोंग कर रहा है आपका, रियल नंबर से। तो चलिए फर्स्ट आपने सी वैल्यू रखी तो साइन क्या आ जाएगा आपके पास, सी। लिमिट लगाएंगे, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे आप, कौन सी, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस सी का नेगेटिव, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स। ओके बेटा, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जैसे ये वाले फंक्शन आए थे हमने बोला था यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्मॉल वैल्यू जो है वो डिडक्ट करेंगे, वो होगी हमारे पास क्या, एच। तो एच वो जो अप्रोच करेगा किसको, जीरो। तो हमारे पास फंक्शन जो है एक्स वो चेंज हो जाएगा किसमें, साइन सी माइनस एच में। ठीक है, एक्स आपका चेंज हो गया सी माइनस एच में, तो ये आ गया लिमिट। अब हमारे पास वेरिएबल क्या चल रहा है यहाँ पे, एच चल रहा है, तो साइन सी माइनस एच, तो यहाँ पे लिमिट हमारे पास हो जाएगी एच अप्रोचेस जीरो। ठीक है, एच हमने क्या ले लिया यहाँ पे, एच हमारा जो है वो अप्रोच कर रहा है जीरो, और यहाँ पे अभी फंक्शन आप जो है सी एक्स ही रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी आप इसको अप्लाई करेंगे, वो आपने अप्लाई किया, फिर हमारे पास जो लिमिट है वो चेंज हो जाएगी एच अप्रोचेस जीरो। ठीक है, अब आप एच अप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो सी माइनस जीरो, तो वो आ जाएगा साइन
सी, ठीक है, ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट आप राइट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस सी का पॉजिटिव, फंक्शन क्या है साइन एक्स, तो लिमिट अब सी में स्मॉल वैल्यू ऐड हो रही है वो आप एच लेंगे, तो साइन एक्स, ठीक है। तो आप फंक्शन में अब एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे, सी प्लस एच, साइन सी प्लस एच। अब लिमिट जो है वो चेंज हो जाएगी, एक्स अप्रोचेस सी प्लस एच था वो आपने चेंज किया, तो एच जो है वो किससे अप्रोच कर रहा है, बहुत ज्यादा स्मॉल वैल्यू है, नियर किसके है वो जीरो के है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास सी। अब एच आप अप्लाई करेंगे साइन सी प्लस जीरो हो जाएगा, तो ये साइन आपके पास सी आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन लेफ्ट हैंड राइट हैंड तीनों में हमारी वैल्यू सेम है, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी वैल्यू ऑफ सी, ठीक है, ओके बेटा, एट एवरी वैल्यू, बस एट एवरी वैल्यू, ठीक है बेटा, हर वैल्यू पे हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। चलिए अब नेक्स्ट आप निकाल रहे हैं कॉस एक्स, अब इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब आप ले रहे हैं कॉस एक्स, कॉस एक्स, तो आप लेंगे फंक्शन सी, आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे सी, तो ये कॉस सी हो जाएगा बेटा। लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे आप, लिमिट एक्स अप्रोचेस सी का नेगेटिव कॉस एक्स, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी लिमिट एक्स अप्रोचेस सी माइनस एच, तो फंक्शन हमारे पास क्या चल रहा है, कॉस एक्स, लिमिट एच अप्रोचेस जीरो हो जाएगा, फंक्शन आप रखेंगे कॉस सी माइनस एच, एच की लिमिट आप अप्लाई कर लेंगे कॉस सी माइनस जीरो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉस सी, ठीक है। अब आप राइट हैंड लिमिट लें, लिमिट एक्स अप्रोचेस सी का पॉजिटिव कॉस एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस सी जो प्लस वैल्यू हो रही है वो एच ले रहे हैं आप स्मॉल वैल्यू एक्स, लिमिट एच अप्रोचेस जीरो कॉस सी प्लस एच, लिमिट अप्लाई कर लेंगे कॉस सी प्लस जीरो, तो ये आ जाएगा कॉस सी, ठीक है। फंक्शन इज कंटिन्यूज एट एवरी वैल्यू, ठीक है, तो ये हो गया आपका, नोट कर लीजिए आप इसको। तो हमारे पास क्या आ गया, फंक्शन इज कंटिन्यूज एट एवरी वेयर, ठीक है, ये आ गया आपके पास। चलिए अब नेक्स्ट आपने वो करना है कोसाइन, ठीक है, कोसाइन हो गया आपके पास। चलिए अब हमारे पास है कोसेक, अब आप देखिए कोसेक के लिए, तो फर्स्ट फंक्शन हो गया कॉस हो गया, साइन भी आपने कर लिया, तो आप लिखेंगे कोसेक, कोसेक के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, कोसेकेंट है इसी को आप लिखेंगे कोसेक का आपके पास, तो ये आ जाएगा वन बाय साइन एक्स। अब यहाँ पे आप लिखेंगे कोसेकेंट इज कंटिन्यूस एट एवरी वैल्यू ऑफ सी, ठीक है, एट एवरी वैल्यू ऑफ एक्स लिख लीजिए, एक्स बिलोंग टू क्या है सी चल रहा है यहाँ पे, एट एवरी वैल्यू ऑफ सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है बेटा, एक्सेप्ट क्या करेंगे आप, एक्सेप्ट, तो हमारे पास साइन एक्स नेगेटिव जीरो कब होता है, एन पाई, एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू एन पाई, क्या आ जाएगा, तो सीकेंट इज कंटिन्यूस एट एवरी वैल्यू ऑफ सी बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू एन पाई, ठीक है, इसको छोड़ के
वो हर वैल्यू पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। ओके बेटा, चलिए अब थर्ड वाला हम पार्ट करेंगे। थर्ड वाले पार्ट में आपके पास सेकंड, सेकंड वो है हमारा sec, वो है इक्वल टू 1/cosec cos x, ठीक है। इसके लिए भी आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे secant is continuous at every value of c belongs to R, ठीक है, क्योंकि हमने x क्या लिया है, c लिया है जो बिलोंग करता है रियल नंबर पे। ओके, c belongs to R except x is equal to 2n plus 1 pi by 2, ठीक है। तो हमारे पास जो cosec है, तो cos है वो कहाँ पे है, आपके पास 0 होता है, वो आपके पास 90 पे 0 होता है, ठीक है। तो 2n plus 1 pi by 2, ओके, तो इस पे हमारे पास क्या हो जाएगा, cos की वैल्यू ये छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे ये 0 होता है, इसलिए ये छोड़ के cosecant जो है वो everywhere क्या है, वो एवरीवेयर क्या है, कंटिन्यूस है आपके पास, ठीक है बेटा। चलिए अब थर्ड वन है कोटेंजेंट, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ पे मैं इसको रीज करता हूँ, हमारे पास है ये फोर्थ पार्ट कोटेंजेंट, ये इक्वल है कॉट के, इक्वल है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, अगेन तो आप लिखेंगे कोटेंजेंट is continuous function at every value of c belongs to real number except sin आपके पास zero कब होता है, except x is equal to n pi। okay बेटा, clear है। तो ये आपका question number 22 कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।